सौभाग्य से ये चीज आप देखिए नरेंद्र मोदी मोदी जी के अंदर ये चीजें मिली। जब वो मिली तो अपने आप को वो हर स्टेट से हर जगह से वो कनेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो ये होगा कि वो केवल एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी। ममता बनर्जी अगर इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहे और सक्सेस करना चाहे तो उसके लिए एक शर्त है कि इस क्वेश्चन को ना उठाया जाए कि हु विल बी द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर वो इस जीत पे अड़ी हैं कि ममता बनर्जी ही फेस होंगी प्राइम मिनिस्टर की और इस शर्त पे सारी पार्टियां आए, तो इस शर्त पे अगर कोई भी पार्टी हो, इवन चाहे शरद पवार हो, चाहे जो भी हो, चाहे लालू यादव तो हालांकि इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, कोई और पार्टी अगर इस चीज पे जीत करेगी तो कोलिजन नहीं बन पाएगा, वो पार्टी अलग हो जाएगी। मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं कि अगर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी अगर देखा जाए और महिला का देखा जाए तो मेरे ख्याल से मायावती जी का होगा। चाहे किसी भी रीजन से उसके दो चार पैरामीटर हो सकते हैं। यूपीए में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि हु विल बी द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कभी भी ये पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर ये डिक्लेयर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, और डिक्लेयर क्यों नहीं ये कर सकते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़े कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको एनालाइज किया जा सकता है कि ये डिक्लेयर क्यों नहीं करेंगे, यूनिटी हो नहीं पाएगी। इसलिए हर बार ये होता है कि भाई पहले इलेक्शन लड़ लो, इनकी शर्तें ये होती हैं कि पहले इलेक्शन लड़ लो, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसी बेसिस पे बार्गेन होता है, इस तरीके से करके इनका बनता है। और प्राइम मिनिस्टर का हट करना, एक देखिए अपोजिशन में जो ये लोग आएंगे वो एकदम बाल हट की तरह होता है। हर पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और इस लेवल तक गिरते हैं इस चीज के लिए। इसीलिए मैंने बोला बाल हट, जैसे एक बच्चा होता है 2-4 साल का, लोट पोट करने लगेगा, मिट्टी में लोटने लगेगा। आप देखिए कांग्रेस का अपना बाल हट है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेरा लड़का ही बनेगा। उसके बाद हर पार्टी का है, शरद पवार वाले बोलेंगे हमारे बनेंगे, भले ही वो ट्रेवल ना कर पाए फिजिकली या वो सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो जिनके सपने हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, भले ही वो कम्युनिकेट पूरे देश को नहीं कर पाए। इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनना, अगर वाकई में देखा जाए, ट्रू लीडरशिप की डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए कि जो ज्यादातर या सभी दिलों पर राज करे, जो पूरे देश को समझ सके, उसके लिए लिंग्विस्टिक होना बहुत जरूरी है, कम से कम हिंदी। आपने बात नरसिम्हा राव की तो उस वक्त हम 12वीं में पढ़ते थे, हमारे सर ने बताया था कि ही इज ए लिंग्विस्टिक, उन्होंने बोला उनको 17 से ज्यादा भाषाएं आती हैं, हाँ और वो हिंदी के साथ साउथ इंडियन, इंग्लिश, फ्रेंच, क्या क्या भाषा है। और उनकी हिंदी भी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई सुने तो उनको लगेगा ही नहीं कि ये नॉन हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो जो सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरी चीज मैं बताऊं, ममता ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं बंगाल इलेक्शन में। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूपी बिहार के लोग पान और गुटखा खा के गुंडे यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है चले जाएंगे यूपी बिहार में, आप कैंपेन कर लेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत स्ट्रांग थी, खैर सरकार में है लेकिन जमीनी स्तर पे पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी। वही शिवसेना ने अपने पैर पसारने चाहे उत्तर प्रदेश में, हालांकि इनिशियल लेवल पे अच्छा डेवलपमेंट हुआ, अच्छा प्रसार हुआ गांव गांव तक और तहसील लेवल तक, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इनकी पकड़ बनी, बहुत सारे लोग जुड़े और एक दिख रहा था कि हाँ ये तेजी से कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए। अभी आप जाके देखिए यूपी में शिवसेना की जो भी मुहिम चली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कोई पढ़ा होगा कार्यकर्ता वगैरह कहीं पढ़ा होगा, अदरवाइज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अपनी बाउंड, मैंने एक टर्म बोला है कि इंडिया की डाइवर्सिटी केवल कल्चरल मत देखिए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है, उन सारे डाइवर्सिटी को अपने में समाहित करना ही एक ट्रू लीडर का काम होता है जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सौभाग्य से ये चीज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये चीजें मिली। जब वो मिली तो अपने आप को वो हर स्टेट से हर जगह से वो कनेक्ट कर लेते हैं। मोदी जी ने बाहर के भाषणों में कभी भी गुजराती शब्द का यूज नहीं किया या गुजराती टोन आती है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी को देखिए जो कि एक बेसिक पैरामीटर होता है, अगर उस पैरामीटर पे आप सूट करते हैं जितने भी तरीके की मैंने डाइवर्सिटी बताई, तो डेफिनेटली सारी पार्टियां आपके नीचे आएंगी। अगर उस लेवल पे हर राज्य में देखिए, कांग्रेस के बिना क्यों नहीं पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस भले ही सबसे पीछे हो जाए या कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, एक कहावत है।
कांग्रेस का अब भी निर्जीव अवस्था में या नेक्स्ट टू मृत अवस्था जिसको बोलते हैं कोमा वाली अवस्था में ही क्यों ना हो, इनके कुछ न कुछ संगठन, कुछ न कुछ कार्यकर्ता, बिल्डिंग्स वगैरह, अस्तित्व वगैरह इनका पड़ा हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो। मिश्रा साहब, यहीं पर मैं आपसे, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, यहीं पर मैं आपको बीच में, सॉरी टू आई मीन डिसरप्ट यू, ये बेसिकली आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस में से राहुल गांधी और गांधी फैमिली बाहर हो जाए, डू यू थिंक द पार्टी कैन सर्वाइव? बेटरमेंट डेफिनेटली होगा, और इस स्टेटमेंट को मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि भाई किसी को भी माइनस क्यों करें, बाहर क्यों करें, बेटर ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उस चीज को समझ के अपने अंदर चेंज करिए ना, आप वो चीज चेंज करिए। और नहीं, वो कांग्रेस तो की हो नहीं एक आदत सकती। और है, गांधी गांधी परिवार में, गांधी परिवार में या तो टोटल बाहर है जी, उनका कोई भी शख्स रहेगा, सारे जो कांग्रेसी पुराने चमचे हैं वो उन्हीं के जाके पांवों में बैठेंगे, वो तो हो नहीं सकता। देयर इज नो हाँ, पॉसिबिलिटी। अगर हम इस शर्त को मान ले कि ये इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि अगर गांधी फैमिली को अभी बाहर कर दिया जाए तो मे भी पॉसिबल कि कांग्रेस में भी बहुत सारे इलिजिबल लीडर हैं जो कि कांग्रेस को बेहतरी की तरफ बहुत तेजी से ले जा सकते हैं, उसके पीछे कारण है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, देखिए अब्राहम लिंकन कितने भी बड़े नेता क्यों हो, वो आके पूरी इंडिया चार धाम कर ले ट्रेन से और अंग्रेजी में बोलते रहे, वो कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि कल्चरल कनेक्ट बनाना, अपने आप को पब्लिक से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कांग्रेस में ऐसे बहुत इलिजिबल जो है नेता अभी भी पड़े हुए हैं जिनको कि पब्लिक या जिनके छत्र छाया में कांग्रेस को पब्लिक बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर सकती है, बशर्ते वो अपनी करंट आइडियोलॉजी, फिलोसफी, इन सब चीजों को इम्प्रूव करे। रिवाइवल करना जितना आसान कांग्रेस के लिए है उतना किसी और पार्टी के लिए नहीं हो सकता है, बशर्ते वो चेंजेस लाएं, बदले हुए सिचुएशन के हिसाब से अपनी टैक्टिक्स और अपनी स्ट्रेटजी को बदलें।